थे हम लोग जा रहे थे, तो कहे कभी डिसाइड नहीं है, तो समझ गए हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, आवारा गर्दी करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये है राम की पैड़ी, और यहाँ की खास बात यह है कि हर साल खुद का रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। उसके कुछ ग्लिम्स थे, मैं दिखा दूंगा, इसमें डाल दूंगा ब्लॉग में, अलग से सारी डिटेल मिल जाएगी तो मैं डाल दूंगा ब्लॉग में, समझ में आ जाएगा सब कुछ। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, जब दिवाली में सजता है तो यहाँ पे 5,50,000, 5,55,000 ऐसे समथिंग दिए जलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया था, लाइट्स ही लाइट, ये लाइन से देखो पूरी लाइट लगी रहती है। और यहाँ पे मतलब ऊपर से जब ड्रोन शॉट लिया था, उसमें दिखता है कि राम जी की पूरी वो है, मतलब नीचे राम जी की फ़ोटो बनी रहती है, हनुमान जी की रिंग रानी होती है बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर दिए लगाए जाते हैं, मतलब वो पूरी बाउंड्री बना देते हैं, उसके बाद ऊपर से दिए लगाए जाते हैं, एक साथ सारे दिए जलते हैं, और वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट्रेट है, ये हनुमान जी का, वो हनुमान जी पहाड़ लिया हाथ में और ये गदा है, ठीक है, तो ये पूरा का हनुमान जी का पोर्ट्रेट है। इस पर क्या होगा, ये चौड़ी सी पट्टी है, सब पे दिए रख दिए जाएंगे, और दिए रखने के बाद सब में जो तेल है वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, सारे के सारे दिए एक साथ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है माइक से, और सारे के सारे यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी मतलब पोर्ट्रेट हैं या फिर जितनों को एक पैटर्न में लगाया जाता है, सबकी एक मतलब पोजीशन डिसाइडेड होती है, सबको एक साथ जला जाता है। जब सारे दिए जल जाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा सीन होता है, और वो आधे एक घंटे के जो पीरियड में ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं, और जितने भी शॉट लिए जाते हैं, मतलब जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, वो इसी टाइम पर कोशिश करते हैं मैक्सिमम कंटेंट कवर कर लें। तो काफ़ी अच्छा सीन है, और घूमने लायक जगह है, अच्छी जगहों पे कभी कभार ख़राब चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो इसके लिए डिसलाइक मत कर देना वीडियो को, ये ख़राब लोग आते रहते हैं ब्लॉग में। 90 किलो वजन हो गया, स्लोमो बनवाएंगी, पीछे से मार दो सीधे पानी में घुसेंगी जाके। ये इंसान का पैर है कि मेंढक का पैर है? मेंढक। अभी मेंढक का बाप रिश्ता लेके ना चला है, हमें आपकी बेटी का लात मांगना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले पानी को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद उसमें पैर डालेंगे। नाउ इट्स सेफ, कंप्लीटली सेफ। तो होता क्या है कि यहाँ पे लाइन से दिए लगाए जाते हैं, जैसे जैसे मार्किंग होती है, जैसे जैसे प्लानिंग होती है, उस हिसाब से पूरे दिए लगा दिए जाते हैं, और इधर साइड प्रोजेक्टर्स लगते हैं, वहाँ पे लेज़र लाइट लगती है, कुछ कुछ लेज़र प्रोजेक्टर्स लगते हैं वहाँ पे, जिससे जब शो किया जाता है तो काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। पूरी की पूरी राम जी की स्टोरी यहाँ पे, एक तरह से कह लो रामायण, यहाँ पे डिस्प्ले करी जाती है पूरी। ये जो होता है ये बिल्डिंग्स, ये प्रॉपर स्क्रीन का काम करती हैं। अभी जो लास्ट टाइम कलर किया गया था वही कलर है, यहाँ पे येल्लो कलर है, लास्ट टाइम जो दीपावली में दीपोत्सव हुआ था वही कलर लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी तो फिर ये पूरी जो बिल्डिंग है उसको स्क्रीन की तरह यूज़ किया जाता है, जितना येल्लो पार्ट दिख रहा है ये पूरा स्क्रीन का काम करता है। और जो उनकी एनिमेशन होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी तगड़ी की, मतलब आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। तो ये जो पंप है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पंप क्या करते हैं, ये पीछे जो हमारे मेन सरयू नदी बह रही है वहाँ से पानी को लेके यहाँ पंप करते हैं। ये जो कैनाल बनाए गए यहाँ पे लाके पंप करते हैं। ऐसा कंट्रोल रूम जो है वो ठीक पीछे यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं चल के दिखाऊंगा ब्लॉग में उसको भी। तो ये बेसिकली वाटर लेवल कंट्रोल करने के लिए है, कि मतलब अलग अलग मौसम में जो वाटर लेवल होता है, अगर मतलब अगर ज़्यादा हुआ तो हम सारे पंप बंद कर देंगे, कम हुआ तो पंप चला देंगे। जनरली 3 पंप चलते हैं, लेकिन अभी वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है तो एक भी पंप नहीं चल रहा है। नदी बह रही है, ये नदी है, ठीक है, सरयू नदी है, और यहाँ से जो नदी बह रही है इसका पानी पंप से, जो मैंने पंप अभी दिखाया आपको, वो यहाँ पे पंप किया जाता है, सारा पानी यहाँ पे पंप किया जा रहा है। यहाँ से पानी होते 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 वहाँ जाएगा, और वहाँ से आगे चल के यही चीज़ वापस नदी में मिला दी गई है, ये आगे तक गई है काफ़ी। और बीच में साइड में यहीं पर लेज़र शो होते हैं, यहीं पर दीपोत्सव होता है, यहीं पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, और सब कुछ यहीं पर होता है। सब कुछ नहीं, मतलब जो मैंने बताया वो कुछ।
थोड़ा सा ब्लॉग, और इतने से मैंने ट्राई करा बहुत कुछ दिखाने का, बहुत कुछ तो नहीं है इसमें ब्लॉग का, कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे घूमने निकले थे, घूमने के बाद फिर नॉर्मल शेड्यूल था, घूमने निकले थे, घूमने के बाद फिर घर जाना था, घर जाने के बाद गाड़ी जगह लगानी थी और फिर जिम जाना था। लेकिन फिर अगर अच्छा बनने लगा, सीन अच्छा दिखने लगा, शॉर्ट्स अच्छे आने लगे, तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं ब्लॉग। मतलब मेरी समझ में तो शॉर्ट्स अच्छे आ रहे थे, बाकी तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। गाड़ी के बाहर दो गुब्बारे बांध दिए हैं, एक इस एंड पे हाइड्रोजन बलून वाले और एक उस एंड पे, एक सेकंड बाद से दिखाता हूँ मैं। चलो फिर ठीक है, क्या करिए फिर से बोलो एक बार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बोलो। नहीं आता मुझे, अभी तो बोल रही थी। लाइक करिए, सरप्राइज करिए, सरप्राइज नहीं सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर साल दिवाली में अयोध्या दीपोत्सव मना जाता है, और खराब कर ली जाके पहले कट कर देना, सक्सेस देखी ही नहीं जाती किसी को, बड़े यूट्यूबर देखे नहीं चले आए मुंह आगे। 48 सब्सक्राइबर्स, 48 नहीं है मेरे, 43 पता नहीं, भूल गया, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाले ना।